वेलकम टू अच्छे दिन। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की पॉपुलर एक्ट्रेस ब्राजीलियन मॉडल नथालिया कौर अपने चार्मिंग टैलेंट से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली उन हॉट व सेक्सी एक्ट्रेस में से एक है, जिसने ट्रेडिशनल और फेयर लुक के साथ अपने एक्साइटेड स्टाइल से यूथ जनरेशन को अट्रैक्ट किया है। इस वीडियो में हम आपको नथालिया से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। अर्ली लाइफ। नथालिया कौर का जन्म 15 अगस्त 1990 को ब्राजील को रियो डी जेनेरियो में नथालिया पिने हीरो फिलिप मार्टिस के रूप में हुआ, जिन्होंने बाद में अपना नाम चेंज कर लिया। उनकी मदर पुर्तगाली वंश से, फादर हाफ पंजाबी इंडियन पुर्तगाली, जबकि उनके ग्रैंड फादर पंजाब इंडिया से व ग्रैंड मदर पुर्तगाल से ताल्लुकात रखती है। एजुकेशन। नथालिया ने रियो डी जेनेरियो स्कूल ऑफ एबल इंस्टीट्यूट ब्राजील से अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी कैनेंडो मेंडेस से लॉ एजुकेशन में एडमिशन लिया, मगर फिल्मों में एक्टिंग के प्रपोजल की वजह से कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया और इंडिया शिफ्ट हो गई। मॉडलिंग। नथालिया कौर ने 14 साल की उम्र में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। उन्होंने इंडिया से फुल टाइम मॉडलिंग प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले ब्राजील व अदर कंट्रीज में पार्ट टाइम मॉडलिंग और ओपेरा सिंगिंग में अभिनय किया। वह 2012 में किंग फिशर कैलेंडर मॉडल हंट विनर रही और उसी वर्ष किंग फिशर स्विम सूट कैलेंडर में भी दिखाई दी। उसके बाद नथालिया कई और टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट में भी नजर आई। करियर। नथालिया कौर ने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी कन्नड़ फिल्म सन आप मटगोड़ा से अपना फिल्मी करियर डेब्यू किया। फिल्म में नथालिया की स्पेशल अपीयरेंस आइटम नंबर ने लोगों का टेम्परेचर बढ़ाया, जिसे बेहद पसंद किया गया। नथालिया ने 2012 में फिल्म डिपार्टमेंट से बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म में उन्हें सनी लियोन को चेंज कर आइटम सॉन्ग्स के लिए कास्ट किया गया। सॉन्ग्स में एक्टिंग के बाद नथालिया लाइमलाइट में आई और उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की। नथालिया को एक बार फिर एक्शन थ्रिलर फिल्म कमांडो ए वन मैन आर्मी में कास्ट किया गया। फिल्म में नथालिया ने आइटम सॉन्ग्स के द्वारा लोगों को जबरदस्त एंटरटेन करवाया व अपने फैंस के साथ साथ उसको द्वारा भी पसंद की गई। नथालिया कौर ने 2016 में फिल्म रॉकी हैंडसम में परफॉर्म किया। फिल्म की स्टोरी एक ऐसे शख्स की इर्द गिर्द घूमती है जो ड्रग्स माफिया के खिलाफ 8 साल की बच्ची को भगा ले जाने के बाद उनके साथ अश्लील हरकत करता है। फिल्म में नथालिया की एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया। नथालिया एक बार फिर फिल्म गन साफ बनारस में लोगों को इंटरटेन कर रही है। फिल्म में उनकी एक्टिंग का फैंस के साथ साथ आलोचकों को भी इंतजार है, मगर उनके फैंस को तो फिल्म जीसन 3 का इंतजार है। फिल्म बेहद बोल्ड होगी और जिसमें 3 पुरुष और नथालिया कौर लीड रोल में होगी। नथालिया कौर ने जब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में एंट्री की तब ये अफवाह थी कि राम गोपाल वर्मा के साथ उनके बहुत गहरे रिलेशन है। यह तब और क्लियर हो गया जब राम गोपाल ने उनके खुले दिल से प्रशंसा की, मगर 1 या 2 साल बाद उनकी रिलेशनशिप टूट गई और नथालिया आजकल सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही है। कंट्रोवर्सीज। नथालिया कौर को आइटम गर्ल की आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरा काम फिल्म की स्टोरी का पार्ट है। लोग आइटम नंबर की आलोचना करते हैं, मगर बहुत से लोग डांस को पसंद भी करते हैं। फिल्म जिसम 2 के पोस्टर में लोगों ने उनके बारे में सोचा यह हॉट व सेक्सी एक्ट्रेस सनी लियोन है, मगर रियलिटी पता लगने पर एक्ट्रेस को पसंद किया गया। सेकेंडली, नथालिया कौर ने राम गोपाल के साथ ब्रेकअप के बाद आई बॉल के एक पेयर को ऐड किया, मगर रामू ने सोशल मीडिया पर अपनी पूर्व ज्वाला के बारे में कुछ सेक्सिस्ट कमेंट पोस्ट किए और मीनिंगलेस कंट्रोवर्सी खड़ी की। फिटनेस फ्रीक। सपोर्ट सेम नेचर लवर स्ट्रॉन्ग कद काठी से फुलफिल नथालिया कौर एक फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस है। फिटनेस में पुशअप्स और रनिंग उनका रूटीन लाइफ शेड्यूल है, जो उनकी एनर्जेटिक रूटीन लाइफ को मेंटेन रखने में इम्पोर्टेंट है। उन्हें डांस, स्विमिंग, जॉगिंग एवं एरोबिक्स बेहद पसंद है। अपीलिंग पर्सनालिटीज। नथालिया कौर एक करिश्माई ब्राजीलियन पर्सनालिटी है। वह 2015 में टॉप 50 मिस मुंडो एस्पिरेटो सेंटो एवं मिस मुंडो ब्राजील में शामिल रही। वह अपने फैंस को कभी लूज नहीं होने देती। इंस्टाग्राम पर उनके 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स इस बात का प्रमाण है कि उनकी अप्रोच बढ़ती ही जा रही है। तो फ्रेंड, इस वीडियो का अंत हुआ। ऐसी और भी दिलचस्प एंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, और उस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जो आप जानना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।